हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतलो में। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डे 3। डे 3 में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंडेंट क्या होता है, इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं, शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है और अलाइनमेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लाइन स्पेसिंग क्या है, फॉन्ट कलर कैसे किया जाता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यानी कि सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे करते हैं, शेडिंग क्या होता है, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेंट के बारे में। इंडेंट क्या होता है, तो इंडेंट जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मैटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक मैटर लिख लिया है जिसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस लिखा गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये मैटर उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, इसका जो मेन हेडिंग है वो उतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा हेडिंग है उसको छोड़कर जो नीचे लिखे हुए मैटर है इनको हम सेलेक्ट करके नंबरिंग कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा मेन हेडिंग है अब वो हाईलाइट होने लगा है और जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर वो थोड़ा आगे भी चला गया है। तो जो पहला वाला पैराग्राफ है जिसे आप देख पा रहे होंगे वो जहां से शुरू हो रहा है उसके नीचे वाला दोनों पैराग्राफ या दोनों लाइन जिसे हम कह रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर नंबरिंग लगाया तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा हमको, तो इसी गैप को ही हम लोग इंडेंट बोलते हैं। यानी बुलेट या नंबरिंग लगाने पर इंडेंट अपने आप ही आ जाता है। तो इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ के आगे जो गैप आपको शो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेंट। और ये जो गैप है अगर इसे हमें अपने हिसाब से और कम या ज्यादा करना हो तब हम इंडेंट का प्रयोग करते हैं। और इंडेंट का प्रयोग करने के लिए आप यहाँ पे जो आपको टैब्स दिख रहे हैं इसमें लेआउट टैब में आएंगे और यहाँ पे इंडेंट जो हो रहा होगा लेफ्ट एंड राइट। हमारा मैटर जो है वो लेफ्ट से लिखा गया है इसलिए हम लोग लेफ्ट का प्रयोग करने वाले हैं। तो जैसे हम ये दो पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0.64 सेंटीमीटर का इंडेंट लगा हुआ है। इन दोनों पैराग्राफ में 0.64 सेंटीमीटर का इंडेंट लगा हुआ है। अगर इसे मुझे और बढ़ाना है तो ये जो ऊपर बटन बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंडेंट देखिए क्या हो रहा है और बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, इसी प्रकार इसको भी सेलेक्ट करके हम लोग 1 सेंटीमीटर और इसको भी सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का इंडेंट कर सकते हैं। तो इंडेंट हो गया इंक्रीज। और इसे मुझे घटाना हो यानी कि मुझे नंबरिंग भी चाहिए लेकिन यहाँ गैप नहीं चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके इंडेंट को कर देंगे 0। तो हमारा इंडेंट जो है वो गायब हो गया। तो यहाँ पे हेडिंग है और इसकी नंबरिंग 1-2 है लेकिन इंडेंट नहीं है। यहाँ पे हेडिंग है और यहाँ पे नंबरिंग 1-2 है और यहाँ पे आप गैप आपको दिख रहा है और इसी गैप को हम लोग बोलते हैं इंडेंट। तो अगर इंडेंट बढ़ाना है तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इंडेंट में आकर ये ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अगर घटाना है तो नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इससे हमारा इंडेंट घटेगा अथवा बढ़ेगा। तो ये होता है इंडेंट। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इसका नाम है शॉर्ट। शॉर्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। शॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कोई लिस्ट बनाना होगा, तो चलिए पहले एक लिस्ट तैयार करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेबल में हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और क्लास लिखा हुआ है। तो हम टेबल पर क्लिक करते हैं, इससे हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग होम टैब के यहाँ जो ए और जेड लिखा हुआ है इस पर आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कमांड। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम से हो रहा है या क्लास, यानी किस आधार पर आपको शॉर्टिंग करना है। तो हमें नेम के आधार पर करना है तो हमने नेम पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है असेंडिंग और लिखा हुआ है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो मैंने स्टूडेंट का जो नेम है उसको असेंडिंग सेलेक्ट किया और किया ओके। तो जो आप नाम यहाँ पे देख रहे थे पहले यहाँ पे आर से था, अब वो ए से हो गया है। यानी फिर पहला जो नेम हमारा है वो ए से, फिर ए से, बी से, डी से, जी से, आर से, एस, वी और वाई। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। और इसे दोबारा सेलेक्ट करके अगर फिर से शॉर्ट पे आते हैं और डिसेंडिंग करते हैं तो पहले जो वाई का नाम है वो ऊपर हो जाएगा और ए का नाम नीचे हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये होम टैब पे जहाँ पे ए और जेड बना हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट। और शॉर्ट से किसी भी लिस्ट को
बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट होता है मैटर को पेज पर लेफ्ट राइट बीच से अथवा दोनों तरफ से बराबर करना, इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। जैसे अगर हम एक नया मैटर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इक्वल आर ए एन डी कर दिया, तो आप देखते हैं इससे तीन पैराग्राफ या चार पैराग्राफ हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये जो पैराग्राफ मिला हुआ है ये आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट से बराबर है, लेफ्ट से ये बराबर है, ये राइट से बराबर नहीं है, यानी कि इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है। अलाइनमेंट को जानने के लिए होम टैब पर यहाँ पैराग्राफ के अंदर आपको दिख रहा होगा ये चारों जो दिख रहे हैं ये अलाइनमेंट के प्रकार हैं। तो आप अगर हम मैटर को सेलेक्ट करते हैं सभी मैटर को, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट जो है वो एक्टिव है और इसका नाम है अलाइन लेफ्ट। ठीक है, अगर इसके बगल में जो बना हुआ है, बीच में बना हुआ है, इसका नाम है सेंटर। अगर हम यहाँ कर दे तो मैटर बीच से बराबर हो जाएगा। ऐसे भी क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा ये मैटर जो है ये बीच से क्या हो गया, बराबर हो गया, बीच से इधर और इधर बराबर हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, और इसके जस्ट बगल में बना हुआ है अलाइन राइट। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैटर राइट की तरफ से बराबर हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट करने पर लेफ्ट तरफ से बराबर होता है, सेंटर करने पर सेंटर बराबर होता है, राइट करने पर राइट की तरफ से मैटर सब बराबर हो जाता है। लेकिन जो जस्टिफाई होता है ये सबसे किनारे वाला जस्टिफाई, जब इस पर क्लिक करते हैं हम तो मैटर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। देखिए जस्टिफाई करने पर मैटर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर हो गया। जहां पैराग्राफ समाप्त हो रहा है ये नहीं बराबर होता है, बाकी इसको छोड़कर इसके ऊपर जितने भी लाइन होते हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देखते हैं किसी बुक में जब बुक लिखा गया होता है तो वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर होता है, इसका मतलब वहां पर जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो किसी टॉपिक को जब हम लिख रहे होते हैं तो हम वो लेफ्ट में लिखते हैं, लेकिन लिखने के बाद जब वो तैयार हो जाता है तब उसे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर कर देते हैं और इसके लिए हम लोग जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। तो अलाइनमेंट चार प्रकार का होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। जस्टिफाई में मैटर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से बराबर होता है, लेफ्ट में केवल लेफ्ट, राइट में केवल राइट और सेंटर में मैटर बीच से दोनों तरफ बराबर जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, इसके लिए फिर से हम आते हैं एक मैटर पर। देखिए ये जो मैटर लिखा हुआ है इसमें हमारे पास चार पैराग्राफ है, तो अगर हम किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, जैसे पहला पैराग्राफ सपोज दैट हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख रहे होंगे इस पैराग्राफ में तीन लाइनें हैं और जो लाइन के बीच गैप दिख रहा है इसी को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो अगर हम पैराग्राफ की बात करें, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, नीचे वाला सेकंड पैराग्राफ है, ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ है, तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ के बीच जो गैप है वो कुछ ज्यादा है, जिससे हमें पता चले कि पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है या नया पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि एक पैराग्राफ खत्म होने पर जब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उनके बीच गैप कम या ज्यादा होता है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन जो आप देख रहे होंगे इस पैराग्राफ यानी जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर तीन लाइनें हैं और इन लाइनों के बीच जो गैप है इसी को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो अगर लाइन स्पेसिंग को हमें सेट करना हो तो हम होम टैब पे आते हैं और होम टैब पर पैराग्राफ के अंदर ही यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा लाइन स्पेसिंग है, ये हमारा लाइन स्पेसिंग है। ये जो बनाया गया है वो मुख्य रूप से पैराग्राफ के बीच जो ये लाइनें होती हैं इनके बीच के गैप को सेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे वन पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे जो लाइनें हैं ये थोड़ी सी पास पास में हो गई। देखिए ये लाइनें थोड़ी दूर दूर में है, ये लाइनें पास में हो गई हैं। ये लाइन जो है अगर इसको और दूर करना है तो हम लाइन स्पेसिंग में आएंगे और यहाँ पे कर देंगे 1.5। तो आप देख रहे होंगे इनके बीच जो गैप है वो बढ़ गया। तो लाइन स्पेसिंग का प्रयोग होता है एक पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें लिखी गई होती हैं उनके बीच के गैप को एडजस्ट करना, कम या ज्यादा करना, इसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है दोस्तों, जो ये मैटर लिखे गए हैं
अगर इसे मुझे कलर करना हो तो हम लोग फॉन्ट कलर से करेंगे। जैसे नंबर वन इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए जो ए बना हुआ है और नीचे कलर बना हुआ है, इसी का नाम है फॉन्ट कलर, जो कि होम टैब पे होता है। तो इसके बगल में एक पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको ढेर सारे कलर्स होंगे। अगर ये कलर हमें लगाना हो तो उस कलर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा मैटर उस कलर में हो गया। अगर हमें मैटर और भी कलर में चाहिए होता है तो यहाँ पे लिखा है मोर कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ढेर सारे स्टैंडर्ड कलर, बहुत सारे कस्टम कलर यहाँ पे शो होंगे। जो भी कलर चाहिए होगा उसे यहाँ से आप सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे और उसके बाद कर देंगे ओके, तो आपका मैटर उस कलर में हो जाएगा। तो टेक्स्ट कलर क्या होता है, टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार के कलर में करने के लिए टेक्स्ट कलर का प्रयोग करते हैं। तो टेक्स्ट कलर जो होता है ये आपके होम टैब पे होता है, होम टैब पर मैटर को सेलेक्ट करके यहाँ से अलग अलग कलर में कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको अलग अलग कलर में कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर के बाद अगला हेडिंग है, टेक्स्ट कलर को हम लोग फॉन्ट कलर भी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉन्ट कलर है, अब कहीं कहीं इसका नाम टेक्स्ट कलर भी होता है। तो टेक्स्ट कलर और फॉन्ट कलर में कंफ्यूज मत होइएगा, टेक्स्ट कलर और फॉन्ट कलर एक ही चीज है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट कलर है या फॉन्ट कलर है जिसका यूज सेलेक्ट किए गए मैटर को अलग अलग कलर में करने के लिए किया जाता है। अगर हमें केवल इतना मैटर ही कलर करना हो तो उतने को ही सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर रेड हो जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट कलर। अगला है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर जस्ट आपके टेक्स्ट कलर के बगल में या फॉन्ट कलर के बगल में होता है, इसके बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या क्या होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें लिखा हुआ है, तो अगर इस पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीजें हाईलाइट हो जाए तो उसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट में आएंगे और यहाँ से सबसे ज्यादा यूज होने वाला कलर जो है वो येलो, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया। इसी प्रकार अगर हमें नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ चीजों को हाईलाइट करना हो तो वहां से हम सेलेक्ट करके उसको और फिर से टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो कि होम टैब पे होता है, यहाँ पे आकर के किसी भी कलर में उसे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर होते हैं जिनका प्रयोग करके आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं, उसके बैकग्राउंड में वो कलर आ जाएगा जिससे उसे ओपन करने पर वो हाईलाइट होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो कि होम टैब पे होता है। इसके बाद आते हैं अगला हेडिंग है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने नंबरिंग का प्रयोग किया है, कलर का प्रयोग किया है। ठीक है, और भी अगर हम मानते हैं कि हमने यहाँ पे मैटर को बड़ा भी किया है, इंक्रीज भी किया है, यहाँ पे हम लोगों ने बोल्ड कर दिया, इसको हमने इटैलिक कर दिया और इसी को हमने अंडरलाइन भी कर दिया और इस वाले मैटर को हमने सेलेक्ट करके अपर केस में कर दिया। ठीक है, तो जो मैटर लिखे गए हैं इसको हमने अलग अलग मैटर यानी अलग अलग मैटर को अलग अलग प्रकार से हमने फॉर्मेटिंग कर दिया। तो अगर सभी मैटर की फॉर्मेटिंग एक साथ हटाना हो तो इसके लिए सबसे पहले सबको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के लिए देखिए होम टैब पे यहाँ पे सेलेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस ए या होम टैब में सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करेंगे, सभी मैटर सेलेक्ट हो जाएंगे। और होम टैब में ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ फॉन्ट के अंतर्गत सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ए बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करते ही सारी फॉर्मेटिंग एक बार में गायब हो गई, जो हमने मैटर को बड़ा किया था वो भी और जो हमने यहाँ पर नंबरिंग किया था, जो हमने यहाँ पे कलर लगाए थे वो सब गायब हो गया। तो सारी फॉर्मेटिंग जो है वो एक बार में गायब हो जाती है। तो अगर हम लोग क्लिक करते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग तो सारी फॉर्मेटिंग एक बार में गायब हो जाती है और उसे वापस लाना हो तो कंट्रोल जेड, तुरंत हमारा फॉर्मेटिंग जो है वो वापस आ जा। तो कंट्रोल जेड एक शॉर्टकट है जो लास्ट एक्शन यानी जो भी लास्ट हुआ है उसको वो फिर से ले आता है, यानी कोई मैटर है गलती से डिलीट हो गया कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा, इसको हम लोग अंडो बोलते हैं, जो भी स्टेप हुआ होता है वो फिर से वैसे हो जाता है। तो कंट्रोल जेड करने से हमारा मैटर फिर से वापस आ गया। तो ये हमारा था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके बाद अगला हेडिंग आता है सेटिंग। सेटिंग क्या होता है, सेटिंग जो होता है वो कुछ आपके टेक्स्ट हाईलाइट कलर की तरह ही होता है। इसके लिए हम लोग एक न्यू पेज लेकर के और यहाँ पर रैंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ पैराग्राफ लिख करके आ गए। अब सेटिंग क्या होता है,
शेडिंग जो होता है वो टेक्स्ट हाईलाइट की तरह ही होता है, लेकिन शेडिंग में अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और ये जो है आपके पैराग्राफ के अंदर आता है, यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे शेडिंग कर दिया, तो देखिए उसके बैकग्राउंड में भी कलर आ गया। तो शेडिंग करने से भी बैकग्राउंड में कलर आता है, और अगर हम टेक्स्ट हाईलाइट करते हैं तो भी उसके बैकग्राउंड में कलर आता है। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, फिर दोनों में अंतर क्या है, तो चलिए समझते हैं शेडिंग और आपके टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या अंतर है। तो उसके लिए फिर से हम एक न्यू लेते हैं, न्यू फाइल लेते हैं कंट्रोल प्लस एम के द्वारा, और फिर से यहाँ पे हम लोग रेंड करते हैं। रेंड करने के बाद हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट हाईलाइट में हमने येलो कलर ले लिया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जैसे हमने टेक्स्ट हाईलाइट किया, इस तीनों लाइन के बीच में एक हल्का सा गैप दिख रहा होगा, यानी टेक्स्ट हाईलाइट जो होता है वो जस्ट मैटर के बैकग्राउंड में होता है, पूरे पैराग्राफ में नहीं। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हुआ है ये क्या हुआ है, ये केवल मैटर के बैकग्राउंड में, ये पूरा सॉलिड यहाँ से यहाँ तक कलर नहीं है। जबकि आप देख रहे होंगे यहाँ जो हमने शेडिंग किया था, देखिए यहाँ कोई गैप नहीं है, यानी शेडिंग करने से पूरे पैराग्राफ में कलर फिल हो जाता है, जबकि टेक्स्ट हाईलाइट करने से केवल सेलेक्ट टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ही कलर आपका फिल होता है। तो ये मेन अंतर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है दोस्तों, बॉर्डर होता है पेज पर अलग अलग प्रकार के बॉर्डर को लगाना। तो चलिए इसके लिए फिर से एक न्यू फाइल लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक नया फाइल आ गया है, यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, इक्वल रैंड करते हैं, और यहाँ पर हम लोग दो लिखेंगे, इससे हमारा दो पैराग्राफ आएगा। अब मुझे इस पे बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए देखिए यहाँ पर होम टैब में ही पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आपको दिखता है बॉर्डर्स, हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो बॉर्डर्स जो होता है ये कई तरह का होता है, जैसे हम यहाँ पे सबसे ऊपर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसको हमने कर दिया बीच में, तो हम चाहते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे एक लाइन आ जाए। तो लाइन लेने के लिए हम लोग बॉर्डर पे आएंगे और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जिससे नीचे लाइन आ गया। ऐसे ही अगर हम टॉप पे क्लिक करते हैं तो ऊपर भी लाइन आ जाएगा। तो देखिए एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे, और उसके बीच में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। और अगर हमें इस बॉर्डर को सभी तरफ लगाना है तो यहाँ से कर देंगे हम लोग ऑल बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर। तो हमारा जो मैटर है वो एक बॉर्डर के बीच में हो गया। और अगर हमें इस बॉर्डर में अलग अलग डिजाइन का लगाना हो तो उसके लिए हम लोग आते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग, नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए स्टाइल में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बॉर्डर मिल जाएंगे। इसको सेलेक्ट करके ओके करने पर आपका बॉर्डर चेंज हो गया। और यहीं से आकर के दोबारा यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में आकर के आप चाहेंगे तो कलर भी आप यहाँ से ले सकते हैं, देखिए रेड कलर और ओके, तो आपका जो बॉर्डर है वो रेड कलर में हो गया, ठीक है। हम फिर से आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत तरह के बॉर्डर हैं, ठीक है। इस तरह का बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर हो गया, यहाँ बहुत सारे बॉर्डर हैं, कोई बॉर्डर लेकर के उसे अपने मैटर पर आप लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर सेलेक्ट मैटर पर ऊपर नीचे लेफ्ट में राइट में या सभी तरफ हो सकता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। लास्ट हमारा जो हेडिंग है वो है फाइंड सेलेक्ट ऑल और रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। तो चलिए समझते हैं फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल क्या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक मैटर लिखा गया है, अगर इस मैटर में हमें कोई वर्ड खोजना हो, जैसे अगर हमें खोजना हो कि यहाँ पे पावरफुल कितनी बार लिखा गया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पावरफुल लिखा है, लेकिन अगर इसको हम कॉपी करके और कई जगह पेस्ट कर दें, कई जगह पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं, हमने कई जगह इसको पेस्ट कर दिया जिससे हमारा सिस्टम उसे खोज पाए ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पावरफुल कई जगह पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें खोजना है वो कहाँ कहाँ लिखा है, तो इसके लिए फाइंड कमांड का प्रयोग किया जाएगा। हम यहाँ पे होम टैब पे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है फाइंड, हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। अब जो भी शब्द खोजना है हमको क्या खोजना है, पावरफुल, PowerFull, पावरफुल को लिखेंगे। तो पावरफुल लिखने के बाद FUL है, पावरफुल लिखने के बाद यहाँ से अप एंड डाउन बना हुआ है, हम क्लिक करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि वो कहाँ कहाँ पे है, देखिए दिखा रहा है कहाँ कहाँ पे है और सभी हाईलाइट भी हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइंड होता है, जिसमें हम किसी भी
वर्ड को खोजते हैं कि वो कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं एक बार। कैसे किया हमने, तो हम होम टैब पे आते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं, राइट साइड में लिख करके एक बॉक्स आ जाएगा और जो भी शब्द खोजना है, अब की बार हम लोग कुछ और शब्द खोजते हैं, जैसे हम लोग खोजते हैं हेल्प, तो देखिए हेल्प एक ही जगह पे लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे आ गया। अब क्या हम लिखते हैं यू, तो देखिए यू यहाँ पे कई बार लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे योर को भी इसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यू लिख के स्पेस कर दीजिए तो फिर वो योर को नहीं करेगा, तो केवल यू को किया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यू लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइंड। ठीक है, अगर हमें रिप्लेस करना हो तो इसे फाइंड के बगल में जो ये पॉइंट बना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। और रिप्लेस मतलब होता है बदलना, किसी वर्ड के स्थान पर किसी दूसरे वर्ड को लगाना। तो जहां ऊपर यू लिखा हुआ है यहाँ पे ले देंगे मी और कर देंगे रिप्लेस ऑल। तो देखिए यहां से कह रहा है ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था आपका, यहाँ पे लिखा था यू और ये हो गया मी। ठीक है, जहां जहां यू लिखा था वहां मी हो गया। हाँ, मैटर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसको दोबारा से करते हैं, कंट्रोल जेड और यू में जो ये स्पेस है इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम करते हैं, यहाँ पे यू के बाद स्पेस था तो स्पेस को भी चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये ओके और जो यू था ये मी हो गया है। पहली बार वो स्पेस हमने लिया था इसकी वजह से स्पेस भी गायब हो गया। तो रिप्लेस मतलब होता है किसी मैटर के स्थान पर किसी मैटर को लगाना। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ मी हो गया है, यहाँ मी हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि मी की जगह मेरा नाम आ जाए, जैसे मेरा नाम राहुल है तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे मी है वहाँ पे मेरा नाम आ जाए, तो फिर से हम फाइंड पे आएंगे, इससे बगल पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एडवांस फाइंड पे आएंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और ऊपर लिखेंगे मी और नीचे लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, और यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारा मी है, जहाँ जहाँ हमारा मी था वहां पर लिखे नाम आ गया। ठीक है, तो ये होता है रिप्लेस करना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बताई गई सभी चीजें एकदम इजीली समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप शेयर करिए, अपने दोस्तों से इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और अधिक से अधिक लाइक भी करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो को बना पाए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।